मोदी जी तो यहाँ पे बस वही है, जुमलों की बारिश करने आ रही हैं। इतना टाइम हो गया, पहले मोदी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे? कि जहाँ जाते हैं वहाँ का जो है माहौल बदल देते हैं। माजर में नहीं बदलेगा, इस दफा जहाँ जहाँ मोदी जी आएंगे सब सीटें आ रहेंगे। तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिनों से प्लीज हमें बचा लीजिए। अच्छा, बहुत परेशान है। 5 साल में कुछ तो काम किया होगा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये हुआ कि जो MLA था उसका टिकट काट दिया। अच्छा, काम ही नहीं हुआ था, उसने काटना था उन्होंने। 5 साल तक तो चुप रहे, अब इलेक्शन टाइम आ गया तो अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं, एम्स बन रहा है यहाँ बिलासपुर में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये धरातल की सिर्फ जुमला है। बीजेपी पार्टी जो कह रही है सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। और आम जनता है धर्मशाला की, और तो जानने की कोशिश करेंगे कि धर्मशाला के लोग इस बार क्या चाहते हैं और किन मुद्दों के साथ जो है 12 तारीख को वोट करने वाले हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अभी जो वोटिंग आने वाली है हमारा यही रहेगा कि महंगाई मुद्दा बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार हो गया है जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हम परेशान हो गए हैं महंगाई से। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आप रिफाइंड तेल देख लो, आप गैस देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, हर चीज़ महंगाई मतलब। हाँ। आजकल सब्जियों के रेट आप पता करोगे तो 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। हाँ जी। मतलब हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हाँ, इतनी महंगाई हमने कभी सोची नहीं थी। कहते अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिनों से प्लीज़ हमें बचा लीजिए। अच्छा, बहुत परेशान है, भारी पड़ रहे हैं क्या? ये बहुत भारी है मैम, आप देखो आप हर चीज़ महंगी हो चुकी है। इसका सभी की पूरा का पूरा जिम्मेदार इसका बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जी, है जी। पर उन्होंने तो कहा था कि जो हिमाचल के लिए है वो 1000 करोड़ों की अभी दिवाली पे सौगात देके गए हैं, और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो हिमाचल में हुआ, डिजिटल बनाया है, फिर भी आप कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन नहीं आए। मैम ये सब बोलने की बातें हैं, अगर आपने बजट दे दिया लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कहाँ है? आप देखो अब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। आप कहीं जाओ, कहीं भी किसी से पूछो कि आप, हर कोई परेशान है। अगर हमारी जो बेसिक जो हमारी बेसिक नीड्स है, हमारा तेल हो गया, चीनी हो गया, राशन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हर चीज़ महंगी है। हम आम जनता त्रस्त हो चुकी है और दुखी हो चुकी है, और इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार सरकार बदलेगी। कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं लोगों का वेतन भी बढ़ा है, इस पर क्या कहना चाहिए? वेतन कहाँ बढ़ा है, किसका बढ़ा है? आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है, वो कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। एक टाइम ऐसा था स्मृति ईरानी जी, इनकी वो गैस सिलेंडर लेके रास्ते में बैठा करती थी, कहाँ गई वो आजकल स्मृति ईरानी? अच्छा ये भी कहते हैं मोदी जी के 2014 से जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर से गांव-गांव में क्षेत्र क्षेत्र में विकास हुआ है, इसमें क्या कहना चाहिए? विकास की बात देखो ऐसा है ना कि वो बोलने की बातें हैं, सिर्फ वो जुमला है। ग्राउंड आप किसी भी जनता से पूछ लो कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। वो कहते हैं कि एक मैं चाहता हूँ आम आदमी वो चप्पल वाला हवाई जहाज से सफर करे। हवाई जहाज से सफर तभी करेगा ना जब उसके जेब में पैसे होंगे। टिकट कितनी महंगी है बताओ, 2000 रुपये की टिकट आती है आज की डेट में, 1000 आज की। आप उड़ान योजना के माध्यम से वादा करता हम लोग जो है हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तो करी है नहीं करी है? कुछ नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। सभी दुखी हैं, सब बहुत बुरा हाल है, और इस बार हिमाचल की जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ से जयराम सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार से क्या लग रहा है, कौन है टक्कर में यहाँ पे? हमारे यहाँ पे जो सुधीर शर्मा जी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और वो हमारे यहाँ से वही रिपीट होंगे। अच्छा दोनों पार्टियों के विधायकों की बात करें तो यहाँ की जनता, हिमाचल की जनता कितना खुश है विधायकों से? विधायक से तो मैम इतना खुश है कि विधायक की टिकट ही काट दी। अच्छा। अगर विधायक ने कुछ काम किया होता तो उसका टिकट ही नहीं कटता। जी जी। अच्छा यस। अच्छा सर क्या लग रहा है इस बार किन समस्याओं के साथ जो है हिमाचल की जनता है इस बार जो है वोट करने वाली है 12 तारीख को? तो मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार है, विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो तो लगातार दावे करते हैं कि हमने जो है हिमाचल को वंदे भारत ट्रेन दी है, जो कि 35 साल से कांग्रेस वाले जो है उसके लिए मतलब कि बहाने मार रहे थे, पर हमने जो है उस पर काम किया है, हमने जो है 5 साल के अंदर जो है वो वंदे भारत ट्रेन हिमाचल को दे दी है। वो बोलते हैं बस करते कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं हुआ ऐसे। मैम भी वंदे भारत की बात कर रहे हैं, वंदे भारत कब आई? अभी उसको 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं। 5 साल तक मोदी सरकार को कुछ याद आई कि कुछ करना है? 5 साल तक तो चुप रहे, अब इलेक्शन टाइम आ गया तो अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं, एम्स बन रहा है यहाँ बिलासपुर में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये धरातल की सिर्फ जुमला है। बीजेपी पार्टी जो कह रही है सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। अच्छा क्या लग रहा है कौन सी सरकार है जो विकास कर पाएगी हिमाचल में? मैम यहाँ पे कांग्रेस सरकार ही ऐसी सरकार है, उसने हर इंसान के लिए सोचा है, उसने हर एक बंदे के लिए सोचा है। ग्राउंड लेवल के लिए, गरीब से गरीब बंदे के लिए एक ऐसी सरकार है, सिर्फ कांग्रेस सरकार ही है जो ये सोचती है और करती भी है। बीजेपी वाली की तो बीजेपी वालों की तरह नहीं है कि बोल दिया और करना नहीं है कुछ भी। सिर्फ बीजेपी सरकार तो लगातार ये कहती है कि क्या कहते हैं, चुनावों से पहले जो है कांग्रेस सरकार शिलान्यास करती थी, फिर चुनाव के बाद जो है उस वादे को भूल जाती थी। मैम ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, अभी आपने देखा होगा हिमाचल में अभी 4 उपचुनाव हुए हैं, तो ये चारों के चारों कांग्रेस सरकार ने ये सीटें निकाली हुई हैं। अच्छा। अगर ऐसा ही कुछ किया होता, उन्होंने काम किया होता तो वो क्यों हारते? क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हैं जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ ना, कह रहे कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से गुजारा करना पड़ता था, हमने जो डबल आईटी दिए, ट्रिपल आईटी दिए, एम्स दिए, कुछ भी नहीं है, कागजों में है, बाकी कुछ नहीं है, कागजों में है, रातल पे कुछ काम नहीं हुआ, कोई जीरो है, सब बिल्कुल सब जीरो है। सर 5 साल में कुछ तो काम किया होगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये हुआ की जो एमएलए था उसका टिकट काट दिया, अच्छा काम ही नहीं हुआ था, उसने काटना था उन्होंने, लोग दंग करते। अच्छा, मोदी जी का चेहरा जो है ब्रांड माना जाता है, कहते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ का जो है माहौल बदल देते हैं। हिमाचल में नहीं बदलेगा इस दफा, जहाँ जहाँ मोदी जाएंगे सब सीटें हारेंगे। अच्छा सर कह रहे हैं कि इस बार जो मोदी जी जहाँ जहाँ जाएंगे सब सीटें हार जाएंगे, सही कह रहे हैं सर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मोदी जी तो यहाँ पे बस वही है, जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया, पहले मोदी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे? अब मैं याद दिला देती हूँ, उत्तराखंड में जी मोदी जी ने चेहरा मतलब कि ब्रांड माना गया है, वहाँ पर भी जो था 5 साल सत्ता का रिवाज था, वहाँ पर भी उत्तराखंड में उन्होंने बाजी मारी है, डबल इंजन की सरकार है, और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी जो है उन्होंने बाजी मारी है, क्या कहेंगे मैम? वहाँ पे डबल इंजन, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार थी पहले, यहाँ का विधायक हो गया, यहाँ के MP हो गए, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी हो गए, यहाँ पे 4 इंजन की सरकार थी, तब भी वो 4 उपचुनाव हार चुके हैं यहाँ पे, वो क्यों हारे 4 उपचुनाव? अगर यहाँ डबल ट्रिपल 4 गुना वाली उनकी सरकार है तो वो 4 उपचुनाव क्यों हारे वो? सर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अच्छा बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार मिला या नहीं मिला 5 साल में? कोई रोजगार नहीं मिला। पर मोदी जी तो कहते हैं कि हमने जो है 2 करोड़ का रोजगार दिया, हर साल जो हम 1 लाख रोजगार देंगे, हम तो कोई रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं मिला, महंगाई जो है बढ़ा दी है। अच्छा महंगाई बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ाई तो वेतन भी तो बढ़ाया है, वेतन का सरकारी जो सरकारी मुलाजिम है उनको फायदा है, बाकी हमको दिहाड़ीदार बंदे को कहते गरीबों की सरकार है, नहीं कोई सरकार नहीं। अच्छा इस बार जनता जो है मोदी देखेगी या मुद्दे देखेगी? अब तो सरकार बनेगी तभी, सरकार बनेगी तभी मतलब पता चलेगा। हाँ जी। अच्छा बात करें धरातल की, जयराम ठाकुर जी ने धरातल पे कितना काम किया सर? हमारे ख्याल से तो कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं है, वो तो कहते हैं हमने गाँव में क्षेत्र में विकास करा, सबसे ज्यादा विकास तो हमने, कांग्रेस ने भी जो 70 साल में जो 5 साल में नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया है, वो तो कांग्रेस का कुछ भी नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं जयराम जी ने विकास किया, जयराम जी यहाँ पे कहते थे कि इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है बाहर की, फॉरेन्स की कंट्री की, यहाँ पे कंपनीज आएंगी, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब जुमला निकला, सब जुमला था, जहाँ जहाँ की इनकी पहले जो मंत्री थी शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी जी, वो कहती थी कि हम रेवेन्यू लेके आएंगे, हम ये करेंगे वो करके, फॉरेन्स कंपनी लेके आएंगे, हुआ क्या? उन्होंने जमीन घोटाला कर दिया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी मीटिंग्स रखी हुई थी इन्वेस्टमेंट मीट की, जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज खोलनी थी वहाँ वहाँ पे इन्होंने अपने प्लॉट खरीद लिए। घोटाले की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म करा है, अभी पुलिस भर्ती का जो परीक्षा लीक हुई है, जाँच चल रही है मैम, जाँच चल रही, कब तक चलेगी? थोड़ा वक्त दीजिए, कहते हैं कि अगर मतलब कि जांच खत्म हुई, अगर कोई दोषी पकड़ा गया उसको सजा भी देंगे, दोषी उनके खुद ही के मिली भगत थी ना, इसीलिए तभी तो लेट हो रहा है। अच्छा। क्यों नहीं कर रहे हो उसको? अच्छा। जल्दी बताओ। अच्छा। शिमला, अगर वो इतने सच्चे होते, शिमला में MC के चुनाव होने थे, उनको बार बार आगे बढ़ा दिया गया। अच्छा कांग्रेस की सत्ता आएगी तो अभी जो जाँच चल रही है, पेपर लीक मामला हुआ है, उस पर कार्रवाई तुरंत करेगी या वो भी ऐसी जुमलों की तरफ बातें की जाएगी? हमारे यहाँ पे जो लोकप्रिय हमारे पूर्व विधायक रह चुके सुधीर शर्मा जी, उनकी अगुवाई में हमने यहाँ पे बहुत सारे मार्च निकाले, उनके खिलाफ बड़ा कुछ बोला, लेकिन वही है। अच्छा। वो कहते हैं जब हमारी सरकार, जैसे सरकार कांग्रेस सरकार बनेगी, हम ये पुलिस घोटाला हो गया सारों के ऊपर दोबारा से इंक्वायरी बिठाई जाएगी और उसका पूरा रूटीन से इसको चेक किया जाएगा। भरोसा कर सकती है जनता भरोसा करेगी? अच्छा आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही करती है जो कुछ कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि घर में जो नल दिया है, नल में जल दिया है, वो इतना जो है कांग्रेस नहीं दे पाई, हमने 2 गुना कर दिया है वो। मैम जल हमारे गांव में तो बिल्कुल जल नहीं है, जल नहीं मिला अपने। अच्छा नल मिला? कोई नल नहीं, नल भी नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि जल, ये तो बहुत सारी बातें होती हैं, जल हर घर जल, कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कह रहे हैं सर? अपने पैसे से लगाया। अच्छा मोदी सरकार ने, जो जयराम ठाकुर की सरकार है, उन्होंने जो है नल भी नहीं दिया ना जल दिया, कुछ नहीं दिया, पैसे से लगाना पड़ा है, नहीं दिया। अच्छा किस पर भरोसा कर सकते हैं, कौन आपके जो है समस्याओं का समाधान करेगा? अब जो पार्टी आएगी, अब हम अपने खुद चुनेंगे ना, खुद चुनेगी जनता जी, वो तो चुनेगी जनता, पर क्या लग रहा है किस पार्टी पे भरोसा है? हमको तो भरोसा किसी पार्टी पे नहीं है, पर अच्छा। जो पुरानी पार्टी थी हमारी कांग्रेस ही थी। हाँ। क्योंकि उस टाइम इतनी महंगाई नहीं होती थी। अच्छा ये BJP वाले एकदम 1 रुपया क्या 10 रुपये एकदम 1 घंटे में बदल देते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा कर देते हैं।